हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब वेलकम टू डीजीसी यानी कि डिजिटल ग्रोथ कंसल्टेंट यहां पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल सारी चीज़ें मिलती होंगी डिजिटल ग्रोथ के लिए तो आप मेरी वीडियोस के लिए हमेशा रहते हैं तो आज थोड़ा सा मैं पर्सनल ये दिखाना चाहता हूं कि लोग गूगल पे मेरे बारे में क्या सर्च करते हैं मतलब मुझे भी अच्छा लगता था यार जब मैं शाहरुख का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ तो शाहरुख के गूगल सर्च पे आता था कि यार उसके बारे में लोग क्या सर्च करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था बट सडनली मेरे दिमाग में आया यस्टरडे नाइट कि यार लोग मेरे बारे में क्या सर्च कर रहे होंगे तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे कि लोग मेरे बारे में क्या सर्च कर रहे हैं जरा उसे भी एक बार देख लेते हैं सो so, ये मेरे पास गूगल आ चुका है और चलिए भाई साहब जरा सर्च करते हैं तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ महात्मा जी टेक्निकल साइड में कर लेते हैं। महात्मा जी टेक्निकल और आप ये वीडियो देख रहे हैं कहाँ पे ये देख रहे हैं हमारे डिजिटल ग्रोथ कंसल्टेंट चैनल पे जहाँ पे बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स मैं डालता रहता हूँ तो चलिए सबसे पहला क्या आ गया अरे सबसे पहला आ गया महात्मा जी टेक्निकल नेटवर्थ यानी कि मेरी कमाई कितनी है तो मैं इसके ऊपर आंसर सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा कि जब से यूट्यूब पर आया तब तो से अपने आप से बहुत प्राउड महसूस करता हूँ कि एक अच्छा करियर मिला एक अच्छा प्रोफेशन मिला आ, अपने आप को एक्सप्लो लाइक एक्सप्लोर कर पाया चीज़ों को सही से टीम बिल्ड कर पाया लोगों के साथ जुड़ पाया और बहुत से लोगों की हेल्प आउट कर पाया तो ये अच्छा है नेट मॉर्थ इन सेंस कि मैं आने वाले दस सालों के बारे में तो सोचता नहीं कि क्या होने वाला है मैंने वो चीज़ कर ली दूसरा महात्मा जी टेक्निकल एप्लीकेशन जो हमारा लर्निंग ऐप है जिसपे आप डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं उसके बारे में उसके बाद महात्मा जी टेक्निकल कोर्स फ्री डाउनलोड <laughs> ये बहुत से बच्चे फ्री में ढूंढते हैं देखिए फ्री में वही पुरानी पुरानी किसी ने एक जगह से कहीं लेके डाल देते हैं सौ दो सौ रुपये में लोग उसे खरीद लेते हैं फिर लोग मुझे बदनाम करते हैं जी नहीं अगर आप देखें तो डेली के बीस रुपये से भी कम की कॉस्ट पड़ती है हमारे कोर्सेज़ की उसे आप ज्वाइन करेंगे तो आप अच्छा खासा ले पाएंगे तो इसके की से दूर रहिए है महात्मा खासकर उन लोगों पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं जो लोग इस टाइप के काम करते हैं साथ में महात्मा जी टेक्निकल कोर्स आप सर्च कर सकते हैं महात्मा जी टेक्निकल एज मेरी एज इकत्तीस साल क्रॉस हो चुकी है और मैं बत्तीसवें चल रहा हूँ मेरा उन्नीस ग्यारह उन्नीस जो मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ है जिस दिन इंदिरा गांधी का भी जन्मदिन है उसके बाद मेरी महात्मा जी टेक्निकल सैलरी तो मैं इस मेरी सैलरी जो है वो जीरो रुपये यानी कि मैं इस कंपनी से कुछ भी रुपए नहीं लेता अपने समय डेडिकेशन करने की वजह उसके बाद महात्मा जी टेक्निकल कोर्स रिव्यू जी हाँ बिल्कुल आप हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में देख सकते हैं जैसे रिचा मैम हो गई बहुत से मोटिवेशन स्पीकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमोल कराले सर हो गए संदीप पाटल सर हो गए बहुत बड़े बड़े लोग जो आजकल हमारे वीडियो मेडोरशिप जो पर्सनल मेटरशिप प्रोग्राम है उसमें जुड़े हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं महात्मा जी टेक्निकल नेट वर्थ इन रूपीज चलिए भैया इंडियन में भी सर्च कर लीजिए महात्मा जी टेक्निकल सोशल ब्लेड सोशल ब्लेड एक वेबसाइट है जहाँ यूट्यूबर के बारे में आप कुछ चीज़ें जानकारी ले सकते हैं अप्रोप्रिएट आप पता नहीं कर सकते यहाँ पे अप्रोप्रेट तभी पता कर पाएंगे जब आप एक्चुअली आप बहुत टाइम से यूट्यूब पे काम कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें हैं जो मेरे बारे में जानते हैं तो जस्ट महात्मा जी टेक्निकल ही लिख के मैं इसको मार देता हूँ सर्च और क्या क्या वेबसाइट्स आती है जो मेरे बारे में लिखती हैं देख तो खुद मेरी महात्मा की वेबसाइट्स आ गई उसके बाद मैं नीचे चलूँ थोड़ा सा तो हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में आ गया सारा महात्मा जी टेक्निकल पे उसके बाद एक इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल आ चुका है फेसबुक हैंडल आ चुका है मेरा एप्लीकेशन आ चुका है वी जो मेरी वेबसाइट है दूसरी वो आ चुकी है उसके बाद इनसाइड .in, क्या लिखा हुआ इन्होंने मेरे बारे में ज़रा पढ़ते हैं साहब अच्छा ये हमारी कंपनी के बारे में इन्होंने डिटेल किया हुआ है महात्मा जी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी हमने बना रखी है तकरीबन साढ़े तीन सालों से तो आई थिंक उसके बारे में है ये सारा कुछ उसके बाद ये एन लिफ्ट मीडिया इन्होंने भी हमारे बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है उसके बारे में सब कुछ है फिर मेरी वीडियोज़ आ गई फिर बहुत से अबाउट सेक्शन बहुत से लोग मेरे बारे में भी लिखते हैं तो अगर आप महात्मा जी टेक्निकल आई थिंक बायोग्राफी लिख दें कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों ने सही सही डाला हुआ है जरा ये एक वेबसाइट है यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने सही चीज़ें इंफॉर्मेशन डाली है या नहीं तो चलिए साहब देख लेते हैं तो पूरा है सब कुछ मेरे बारे में है है ना मेरा फिजिकल स्टेटस क्या है ज़रा ये देख लेते हैं अच्छा मैं छः फुट का हूँ गलत हाइट है ये फाइव मेरे ख्याल से टेन के करीब हूँ मैं है ना वेट मेरा सेवेंटी फाइव नहीं एट्टी है ना मेरा वेट एट्टी फाइव है सेवेंटी नहीं है और मेरी आंखें काली और मेरे बाल अब सफ़ेद हो चुके हैं है ना आधे से ज़्यादा तो सफ़ेद सफ़ेद दिखते होंगे आपको बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच इन्होंने मेरी पिक्चर्स लगाई हुई ये पिक्चर मैं अपने पार्टनर विद्याकुल के जो ओनर हैं तरुण मैं और तरुण घूमने गए थे एक्चुअली मीटिंग से ही गए थे उसवाल के साथ हमारी मीटिंग थी तो हम लोग गए थे आगरा तो मैंने कहा चल यार तुझे तो घुमा के लाता हूँ ताजमहल तो ये उसने एक पिक्चर क्लिक करी थी बहुत अच्छी पिक्चर है जो उसने याद दिला देती हम लोग राउंड लगा के घूम के आ रहे थे तो मैंने कहा यार एक फोटो डाल देता हूँ यार सोशल मीडिया पे तो बस वही सब चीज़ें हैं एजुकेशन आईसीआई मतलब मैंने सी ए ड्रॉप आउट करी हुई है तो मेरे स्टेटस पे होगा तो वहाँ से उन्होंने लिखा लिख लिया होगा तो ये सारा कुछ है रिलेशन रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो भाई मैं मैरिड हूँ फादर का नाम लिखा नहीं है तो कंप्लीट डिटेल नहीं है यहाँ पे इस वेबसाइट पे एक दो और वेबसाइट है मेरे बारे में बहुत अच्छी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई थी तो मैंने काफी मतलब 90 परसेंट अप्रोप्रिएट मेरे बारे में उन्होंने डाला हुआ है तो ये कुछ मेरे बारे में है आई थिंक आई होप आपको कुछ चीजें तो यहां से मिली होंगी मुझे भी पता चला यार गूगल पर लोग मेरे बारे में क्या सर्च करते हैं सो so, अगर आप वाकई मेरी तरह बनना चाहते हैं सब कुछ करना चाहते हैं तो डू स्टार्ट के मोबाइल लीजिए वीडियोज बनाना शुरू करिए सो थैंक यू सो मच आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में ली डीजीसी पे आप किन किन टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट्स